पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर खौफनाक मंजर देखने को मिला है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने स्वर्ण मंदिर में घुसने की कोशिश की। इन लोगों को वहां हवा में तलवारें लहराते हुए देखा गया। इनके हाथ में आतंकी जर्नैल सिंह भिंडरवाले के पोस्टर देखे गए और खालिस्तान के नारों की गूंज सुनाई दी, और ये सब कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। छह जून का दिन था। सालों पहले अमृतसर में चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी थी। अचानक स्वर्ण मंदिर में सैकड़ों लोगों की भीड़ देखी गई, जिसने जमकर खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी। हवा में नंगी तलवारें लहराई गई। लोगों के हाथों में खालिस्तानी आतंकी जर्नैल सिंह भिंडरवाल के पोस्टर थे और मुंह पर खालिस्तानी नारे। ये सब देखकर फिर इस बात की चिंता बढ़ने लगी है कि पंजाब में खालिस्तानी सक्रिय होते चले जा रहे हैं, और फिर एक बार खालिस्तान की मांग उठने लगी है। और ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर स्वर्ण मंदिर का ये वाक्य इस बात का सबूत है। सैकड़ों की संख्या में खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने वाले लोगों ने जर्नैल सिंह भिंडरवाले के बैनर और पोस्टरों को लहराते हुए स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसने की कोशिशें की, लेकिन उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें सैकड़ों सिखों को हाथों में नंगी तलवारें और पोस्टर लेकर नारेबाजी करते देखा जा सकता है। 6 जून का दिन वो दिन है जब 38 साल पहले 1984 में सेना का ऑपरेशन ब्लू स्टार समाप्त हुआ था। इस दिन सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आतंकी जर्नैल सिंह भिंडरवाले को ढेर कर मंदिर को आतंकियों के चंगुल से मुक्त कराया था। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के बीच कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने फिर से राज्य का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और अमृतसर में बंद का आह्वान किया था। दल खालसा नाम के कट्टरपंथी संगठन ने हर जगह ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में पोस्टर चस्पा किए थे। मामले की गंभीरता के मद्देनजर अमृतसर में 7,000 जवानों की तैनाती की गई। बावजूद इसके खालिस्तानी समर्थक स्वर्ण मंदिर तक पहुंच गए और वहां माहौल को भड़काने की कोशिश की। वही कट्टरपंथी सिख संगठनों बब्बर खालसा, शिरोमणि अकाली दल अमृतसर समेत कई अन्य खालिस्तान समर्थकों ने आजादी मार्च निकाला था। इस दौरान खालिस्तान की आजादी की मांग के नारे लगाए गए थे, लेकिन अहम सवाल ये है कि सालों बाद अब फिर से कैसे पंजाब में खालिस्तानी सक्रिय हो गए हैं? किसकी लापरवाही या फिर शय पर पंजाब में इन खालिस्तानियों की इतनी हिमाकत हो गई कि ये वहां खालिस्तान की आजादी के नारे लगाने लगे हैं? आए दिन खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस का मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू धमकी भरे वीडियो जारी कर देता है, और हद तो तब हो जाती है जब वो खुलेआम पंजाब के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दे देता है, और उस पर भी पंजाब की सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। पंजाब के जो हालात है, जिस तरह से वहाँ आतंकी फिर से सक्रिय हो रहे हैं, उन सब की जिम्मेदार भगवंत मान की सरकार है, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी सरकार चुप है और इन खालिस्तानी आतंकियों को शह दे रही है, जिससे फिर से पंजाब के हालात भयावह होते दिखाई दे रहे हैं। आतंकी एक के बाद एक पंजाब में किसी न किसी गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं, और हद तो तब हो गई जब इनकी इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी ये खालिस्तानी समर्थक स्वर्ण मंदिर के गेट तक पहुंच गए और सरकार बस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, जिससे लॉ एंड ऑर्डर्स पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, साथ ही अब सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्योंकि पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान जो हैरान करने वाला खुलासा हुआ था, उसके बाद अब ये सच होता नजर आने लगा है कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल वाकई एक स्वतंत्र राष्ट्र के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और इसीलिए ही इन खालिस्तानियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। We'll be right back.